आज दिन कुछ अलग सा लग रहा है। आज हम लोग एक ऐसे सफर पे निकलने वाले हैं जिसकी हम लोगों ने मात्र कल्पना ही की थी। आज हम लोग इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले हैं, जो कि कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलती है। बहुत सारी यादों को कन्याकुमारी से संजो करके हम लोग इस सफर में आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, आज हम लोग टोटल 4154 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे और ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने कोई पैकेज खरीद लिया हो, क्योंकि लगभग हम लोग 3 nights and 4 days इस ट्रेन में बिताने वाले हैं और 75 hours की इस जर्नी को तय करने वाले हैं। इस सफर में हम लोग बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरेंगे। कन्याकुमारी से चलकर कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, हावड़ा, निजलपाईगुड़ी, गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक के सफर को तय करने वाले हैं। रास्ते में खाने पीने की चीजें हमारे इंडिया की तो बहुत ही बेहतरीन होती है, तो उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। और नज़ारों की बात की जाए तो ऐसी चीज़ें आपको इस यात्रा में देखने को मिलेंगी कि जो आपने पहले किसी ट्रेन जर्नी में एक्सपीरियंस नहीं की होंगी। नॉर्थ ईस्ट में एंट्री के बाद जो नज़ारे हैं वो बदल ही जाते हैं। और महाविशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी तो एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। असम के लोकल केले वगैरह को ट्राई करते हुए हम लोगों ने इस सफ़र को डिब्रूगढ़ तक तय किया। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं सीधा कन्याकुमारी से। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं हूं फिलहाल कन्याकुमारी में और आज मैं निकल रहा हूं इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी में, यानी विवेक एक्सप्रेस में। कई लोगों को लगता है कि कन्याकुमारी से जम्मू तक जाने वाली हिमसागर एक्सप्रेस ही इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन है, पर ऐसा नहीं है। ये ट्रेन जो आज हम लोग बोर्ड करेंगे ये हमें 3 nights and 4 days में डिब्रूगढ़ पहुँचाएगी। कन्याकुमारी में बहुत सारे लोग आते हैं कन्याकुमारी माता के मंदिर के दर्शन के लिए, साथ ही साथ त्रिवेणी संगम के लिए, जहाँ पे अरब महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एक संगम बनाते हैं समुद्रों का, जो कि अपने आप में ही एक अनोखी चीज़ है। और आज हम लोग इंडिया के सबसे लास्ट पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ने वाले हैं। इस सफ़र के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं अपनी विवेक एक्सप्रेस कैसी है। तो फाइनली एक सपना जो आज पूरा होने वाला है, हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं विवेक एक्सप्रेस में, वो भी एंड टू एंड। और ये होने वाला है आज का अपना घर। 2 upper berth हमारी कंफर्म हुई है, लोअर तो खैर नहीं मिली। मैंने 2 महीने पहले जब टिकट बुक किया था तब यह हाल है। तो इस ट्रेन में अगर आपको ट्रैवल करना है तो समय से बिल्कुल आपको इसमें टिकट बुक कर लेनी चाहिए, वरना टिकट तो मिलती नहीं है। आप लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं अपनी ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ, तो दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप को, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है जहाँ से आप फ्लाइट्स, होटल्स एंड एक्टिविटीज़ को बुक कर सकते हैं। ये आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स एंड 1000 से ज़्यादा रिजल्ट्स को कंपेयर करके बेस्ट डील प्रोवाइड करता है। अब वीगो ने ट्रेन टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी है, जहाँ पर ट्रेन टिकट बुक करना बहुत ही सिंपल है। चलिए जल्दी से आपको सिखा देता हूँ कैसे आप अपनी ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं। वीगो ऐप कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको ट्रेन आइकन पे क्लिक करना है, सो स्टेशन, डेस्टिनेशन, स्टेशन और डेट ऑफ जर्नी यहाँ पे डालनी है। बहुत सारे ट्रेन के ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे, आपको कन्फर्मेशन के चांसेस भी मिलेंगे और ट्रेन की अवेलेबिलिटी भी। तो जो आपके लिए सूटेबल ट्रेन है उसे आप यहाँ से सेफली एंड क्विकली बुक कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक सलाह ये भी रहेगी कि जिस रूट पे आप अपने ट्रेन टिकट को बुक कर रहे हैं सेम रूट पे एक बार फ्लाइट्स के किराए को भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार वीगो आपको कम से कम किराए में फ्लाइट टिकट भी प्रोवाइड करता है। जिन लोगों ने आपको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो जल्दी से आपको अपडेट कर लो, क्योंकि बहुत सारे नए फीचर्स नए ऐप में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जल्दी जाइए वीगो ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी ट्रैवलिंग को और कंफर्टेबल बनाइए। एक्साइटमेंट लेवल जो है बहुत ही हाई है, क्योंकि मतलब 3 nights 4 days इस ट्रेन में हम लोग बिताने वाले हैं। बहुत सारे लोग बदलेंगे, बहुत सारे राज्य बदलेंगे, पर हम लोग इसी में रहने वाले हैं। घरेलू वातावरण होने वाला है और कन्याकुमारी से निकलते निकलते मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है, बारिश एकदम बादल छाए हुए हैं और ये सफ़र यहाँ से बिल्कुल राइट टाइम 5:30 अब शुरू होता है। यहाँ पे हमारी विवेक एक्सप्रेस अपने पहले हॉल्ट नागरकोइल जंक्शन पे आ चुकी है। नागरकोइल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमें लिया गया। बता दूँ यहाँ से एक लाइन गई हुई है तिरनेलवेली जंक्शन होते हुए मदुरई के रास्ते चेन्नई तक। वैसे जिन लोगों ने मेरा ले से कन्याकुमारी का व्लॉग देखा है ना, उसके लास्ट हिस्से में हमने इसी रूट को कवर किया था। लेकिन अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं तिरुवनंतपुरम होते हुए पलक्कड़ के रास्ते कोयम्बटूर सेलम वाली लाइन पे, यानी हमारी जो विवेक एक्सप्रेस है एक अच्छा खासा लॉन्ग रूट केरला की ओर लेने वाली है। बहुत सारे स्टेट्स हम कवर करेंगे, उसी में से ये भी हिस्सा है। तमिलनाडु सबसे कुछ हम लोग निकल के केरल राज्य में एंट्री लेंगे। यहाँ पे हमारा अराइवल टाइम था 5:45 का और 5 मिनट का हॉल्ट टाइम
जिसमें से मैं मिलता हूँ अब आप लोगों से डिपार्चर पे। तो वो जो रास्ता है दोस्तों मदुरई होते हुए चेन्नई की ओर निकल जाता है, तिरुनेलवेली रास्ते में ही पड़ता है और हम लोग अब बढ़ रहे हैं तिरुवनंतपुरम वाली लाइन की ओर। नज़ारे सूट के सच में बहुत ही खूबसूरत हैं, वो भी शाम के समय जब बारिश वाला मौसम है। थर्टी का हमारा अराइवल टाइम था तिरुवनंतपुरम सेंट्रल पर। मौसम बहुत ही कमाल का हो रखा है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है जब से हम लोग चले हैं। तो जर्नी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल भारत के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से एक और केरल की राजधानी भी है। हम लोग अब पहुंच चुके हैं केरल राज्य में। यह हमारा तीसरा हॉल्ट है जो कि 86 किलोमीटर की दूरी पर है कन्याकुमारी से, और यहाँ पर हमारा अराइवल टाइम तो मैंने आप लोगों को दिखाया है। साथ साथ तिरुवनंतपुरम से आपको बड़े बड़े शहरों के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी, और इतना ही नहीं यहाँ से सिलचर के लिए इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन भी चलती है, और इंडिया की लॉन्गेस्ट राजधानी भी हज़रत निज़ामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम के बीच में ही चलती है। वैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, और बाकी बीचेस वगैरह को एंजॉय करने के लिए भी लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। तो कभी अगर आप लोग आए हैं तिरुवनंतपुरम तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर अपनी लॉन्गेस्ट जर्नी यहाँ तक चल रही है। देखते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें स्टेशन में अवेलेबल हैं क्या। तो यहाँ पर केवल स्नैक्स आइटम ही अवेलेबल है स्टेशन में, खाने पीने की चीज़ों के लिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाना पड़ेगा। अब चलते हैं भाई ट्रेन के अंदर, क्योंकि अब यहाँ से निकलने का टाइम भी जो अपना हो चुका है। काफ़ी देर रुक गई यहाँ पे हमारी ट्रेन आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल में। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ खाने पीने की चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही मिलेंगी, और स्नैक्स अगर आपको खाने हैं तो वो आपको इस प्लेटफॉर्म में ज़रूर मिल जाएंगे। हमें पता था कि विवेक एक्सप्रेस में खाने पीने की दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए एडवांस में एक झोला भर के निकले खाने पीने का, और ऐसे कुछ ड्राई आइटम्स ले लिए जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट वगैरह। तो ट्रेन की चाहे पानी वाली चाहे हो चाहे गाड़ी चाहे हो, ये सब चीज़ें खाते पीते अपना सफ़र चल रहा है। कोल्हम जंक्शन जब पहुँचेंगे देखते हैं वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं कि नहीं। बाकी फिलहाल नहीं भी मिला तो अपना काम इससे अच्छा खासा चल जाएगा, और ट्रेन में नॉनवेज फूड की कमी आपको नहीं होगी, लेकिन वेज फूड खाने वालों को दिक्कत हो सकती है। कोल्हम में भी जब खाना पीना नहीं मिला तो हम लोगों ने ट्रेन की हल्दीराम्स वाली छोले और चावल के जो कॉम्बिनेशन है वो ले लिया है, और इसमें आपको छोला चावल जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा। हाँ खैर गरम तो है, इसको गरम पानी में बस ऐसे ही हीट कर दिया जाता है, ये रेडीमेड फूड है, और ये आपको पड़ेगा 150 रुपीज़ का। तो अब आप सोच लो आपको कन्याकुमारी से खाना लेकर के चलना है कि 150 रुपीज़ में ये रेड प्री कुकड फूड खाना है। वैसे मुझे तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, पर पेट भरने के लिए थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिलहाल रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अभी सोया जाए, कल सुबह आप लोगों से मिलता हूँ, देखते हैं कहाँ नींद खुलेगी। अब वो जो लाइन है वो आ रही है वृद्धाचलम जंक्शन से, और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं सेलम जंक्शन। क्या क्या है? इडली वड़ा मसाला डोसा दे दो। कितना? एक एक इडली डोसे पूरी मसाला इडली वड़े कितने का? गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ अपने दिन की शुरुआत होती है सेलम जंक्शन पे। सेलम से बैंगलोर की लाइन गई है जो कि मात्र 4 घंटे है। हम लोग बढ़ने वाले हैं जोलाफिडे वाली लाइन की ओर, यहाँ से कारूर और नमक्कल से भी लाइन आती है वृद्धाचलम की ओर लाइन गई है, जहाँ से आप डायरेक्ट तिरुचिरापल्ली जा सकते हैं, और हम लोग बढ़ के आए हैं यहाँ पे ईरोड वाली लाइन से। वो बहुत ही बड़ा जंक्शन है, इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। यहाँ के मैंगोज बहुत ही फेमस है, साथ साथ यहाँ का स्टील प्लांट इसे तमिलनाडु की टॉप 5 सिटीज़ में शामिल होने का मौका देता है। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर में। 6:52 पे अपना यहाँ पे अराइवल टाइम था, 3 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट। यहाँ पर हम लोग निर्धारित समय से मात्र 5 मिनट की देरी से पहुँच चुके हैं। गाड़ी साउथ इंडिया में है, खाने पीने की प्रॉब्लम होने नहीं वाली, इसलिए हम लोगों ने सेलम से इडली वगैरह ले लिए। टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे, आपको भी बताएंगे मसाला डोसा कैसा है और इडली वड़ा, ये 2 चीज़ें लिए हैं, और 50 रुपये पर पीस पड़ा हुआ है हमको पर बॉक्स।
सेलम मुझे काफ़ी पसंद है, मैं यहाँ पे कुछ महीने रह चुका हूँ मतलब मेरी फैमिली के साथ, तो काफ़ी यादें जुड़ी है जगह से, अच्छी लगती है जगह, इसलिए जानबूझ के जल्दी उठा था ताकि इसे कवर कर सकूँ। बैंगलोर जाने वाली लाइन हमसे अलग होती है और ये जोलारपेट वाली लाइन है जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे सेलम के मसाले डोसे हैं, जल्दी से भाई टेस्ट कर लिया जाए क्योंकि बिल्कुल गरम गरम मिले हैं अर्ली मॉर्निंग, एकदम सॉफ्ट एंड टेस्टी। अगर आपको जर्नी के दौरान मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेंगे। और साथ में वैसे इडली, वहाँ भी इडली भी अवेलेबल थी जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, संदीप भाई ने टेस्ट किया है, देख लो। तो ये भी अगर आपको मिलती है तो आपके लिए रिकमेंडेड है। जब हम लोग हिमसागर एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे थे तो काठपाड़ी आया था सुबह सुबह, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट इडली बड़ा मिला था और अभी सेलम से मिल चुका है। जल्दी से फिनिश किया जाए क्योंकि सेलम का जो घाट सेक्शन है वो शुरू होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग उसे इन्जॉय करिए, मैं इसे जल्दी से फिनिश करता हूँ। सामने से बैंगलोर लाइन निकल रही है और हम लोग अभी जोलारपेट जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। यहाँ पे हुबली चेन्नई एक्सप्रेस जिसे हमने जोलारपेट में ओवरटेक किया था वो भी हमारी ट्रेन के साथ साथ आ चुकी है काठपाड़ी में। जंक्शन में हमारा अराइवल टाइम था 10:05 का, पर यहाँ पे 9:20 ही अपनी ट्रेन पहुँच चुकी थी काठपाड़ी पे। और मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे लोग नॉर्थ से साउथ में काठपाड़ी में आते हैं इलाज वगैरह के लिए, क्योंकि काफ़ी फेमस है यहाँ की जो मेडिकल टेक्नोलॉजी। और वैसे VIT के बारे में आप लोगों को सुना होगा, वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए भी आते हैं। काठपाड़ी से विल्लुपुरम के लिए लाइन गई हुई है जहाँ पर अभी आपने EMU ट्रेन को जाते हुए देखा, साथ साथ तिरुपति वाली लाइन गई जिसमें और चेन्नई वाली लाइन जिसमें ये ट्रेन जो है वो बढ़ने वाली है, इसलिए काठपाड़ी को जंक्शन कहा जाता है। यहाँ की बिरयानी टेस्ट में काफ़ी अच्छी होती है तो वेज बिरयानी ले लेते हैं। यहाँ धूप भी काफ़ी अच्छी होती है इसलिए बहुत ज़्यादा लग रही है, अभी बिरयानी वगैरह लेकर ट्रेन के अंदर चला जाए। ले लो, ले लो ना ऑयल का। वेजे क्या? वेज का इडली वड़ा, दोसा वड़ा, पूरी भाजी। पड़ी का पूरा स्टेशन चेक कर लिया और यहाँ पे वेज बिरयानी नहीं अवेलेबल है, सुबह का इडली वड़ा और मसाला डोसा वड़ा अवेलेबल है, बाकी अंडा बिरयानी चिकन बिरयानी तो आपको बहुतायत में मिल जाएगी लेकिन वेज में कुछ नहीं है। और जो एक समोसे दिखाया ना मैंने आपको, वो भी अगर आप लोग ऑयल खाने की क्षमता रखते हो तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग अभी काठपाड़ी जंक्शन से भी निकल चुके हैं, अच्छे खासी देर के लिए ट्रेन यहाँ पे रुकी थी तो सबको मौका मिल गया अपने हिसाब से खाना पीना चूज करने का और खाने का।
ट्रैक्स आते दिख रहे हैं ना, वो तिरुपति रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं और हम लोग अभी रेणीगुंटा जंक्शन पहुँच रहे हैं। साथ श्रेयान जैन भी ट्रैवल कर रहे हैं, इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है। और यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूं कि तिरुपति मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है और आपने पद्मावती माता का मंदिर सुना होगा, वो यहीं पर है, रेणीगुंटा में ही है। और बाकी यहाँ से आपको ट्रेनें मिल जाएंगी काटपाड़ी वाली लाइन की ओर जहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं, और चेन्नई के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी यहाँ से मिल जाएंगी। मात्र 3 घंटे की दूरी है यहाँ से। आते हमने 1000 किलोमीटर की दूरी तय की है ना, 1000 किलोमीटर का। बढ़िया, यहाँ आते आते हम लोगों ने 19 आवर्स की जो जर्नी है वो पूरी कर ली है। खाने पीने का ऑर्डर वगैरह ट्रेन में लेने आ रहे थे, श्रेयांश भाई बता रहे हैं, मैं तो भाई डोर पे एंजॉय कर रहा था नज़ारों को। और बाकी साफ़ सफाई जो थी सुबह गंदी थी, अभी साफ सफाई ट्रेन की शुरू हो चुकी है, अच्छी खासी चल रही है। और हम लोग लंच वगैरह सोच रहे हैं थोड़ा लेट से करें क्योंकि इडली 2 बार हो गई सवेरे की, तो शाम में संदीप भाई ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है उसको ट्राई किया जाएगा। और संदीप भाई ने बिरयानी मंगाई है, वो कौन सी है कैसी है वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपसे मिलता हूँ जब काटपाड़ी से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो। मैंने चाय तो ले ली है, लेकिन ट्रेन की भीड़ देखो आप, स्लीपर क्लास एकदम पूरा पैक हो रखा है ट्रेन का, इसमें घुसना मुश्किल है आपके लिए। इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो ना तो स्लीपर क्लास में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो चलिए इस चाय को मैं यहाँ पर फिनिश कर लेता हूँ। और यहाँ पर खाने पीने की वैरायटी आप देख लो, समोसे और पकौड़े यहाँ पर सभी चीज़ आपको मिल जाएंगी, स्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हम लोग अब रेणीगुंटा जंक्शन से भी निकल चुके हैं। सामने जो ट्रैक है वो गुटी की ओर जा रहे हैं और हम लोग बढ़ने वाले हैं अभी बुडुर वाली लाइन की ओर। यहाँ पे जो ट्रेन का खाना है उसे श्रेयांश भाई टेस्ट कर रहे हैं। भाई कैसा है खाना? खाना ओके ही है। रिकमेंड करोगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चपाती आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ राइस मिलेगा, छोले मिलेंगे और दाल मिलेगी। भाई यही है, रोटी वगैरह नहीं इसमें, चावल एक्स्ट्रा भले ही एक पैकेट दे दिए गए हैं पर स्वाद उतना मज़ेदार लगा नहीं श्रेयांश को। और संदीप भाई ने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन फूड, तो उसे हम लोग विजयवाड़ा में ट्राई करेंगे। के डिले के साथ पहुंची विजयवाड़ा और यहाँ अपने दो भाई लोग मिलने आए। कैसे हो भाई? और ये इनको इंस्टाग्राम से मैंने अपडेट दिया था तो भाई आया, थैंक्स अ लॉट। अरे भाई, और खाने का इंतजाम इन्होंने किया, मैंने जैसा कि मैंने बताया था पार्ट टू हमारा सर्वाइवल के लिए रहने वाला है फूड का, तो एक दोस्त ने हेल्प की, ऑनलाइन फूड हम लोगों ने यहाँ पे मंगा लिया, प्लस संदीप भाई ने ऑनलाइन भी मंगाया खाना, तो देखते हैं वो कैसा है। बाकी मैं जल्दी से इन लोगों से बात कर लेता हूँ, आप लोगों से जल्द मिलूंगा। यहाँ पे स्टेशन में आपको फल वगैरह भी आसानी से मिल जाएंगे विजयवाड़ा में, तो खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी। भैया एप्पल क्या रेट है? 100 रुपया भैया, 100 रुपये छोटा सा एप्पल, ये 100 रुपये का है। वैसे आप लोगों को बता दूं विजयवाड़ा इंडिया के बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से आता है, साथ ही साथ बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। 10 प्लेटफॉर्म के बारे में तो मैं ही सुन रहा हूँ और यहाँ से बहुत सारे रूट्स भी गए हुए हैं अलग अलग जगहों के लिए। विशाखापट्टनम वाली लाइन पर हम लोग बढ़ रहे हैं, दिल्ली के लिए अलग से लाइन गई हुई है जो कि बल्लारशाह होते हुए जाती है। गुंटूर वाली लाइन मैंने आपको दिखाई ही, और साथ ही साथ जब हम लोग आए हैं जिस रूट से वो है चेन्नई विजयवाड़ा वाली लाइन, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है। यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें काफ़ी अच्छी खासी स्टेशन में मिल जाएंगी अगर आप लेना चाहते हैं तो।
बिरयानी से लेकर रोटी सब्जी सभी चीज़ें अवेलेबल है, बट मैंने जानबूझ के बाहर से ऑर्डर किया क्योंकि ट्रेन का खाना खा खा के मन तो थोड़ा सा उभ ही रहा था। और अगर आप लोग को अगर ऑप्शन मिलता है, अगर एक दिन का ट्रैवल है तो यहाँ के खाने पर आप आसानी से एडजस्ट कर ले जाओगे, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। स्टेशन कोड है BZA, गुड्स मार्शलिंग यार्ड यहाँ का भी इंडिया के टॉप गुड्स मार्शलिंग यार्ड्स में से आता है, तो विजयवाड़ा की इंपॉर्टेंस जो है इस रूट में बढ़ जाती है। इतनी कमाल की सनसेट देखी ना मैंने अपनी इस जर्नी के दौरान, इतनी खूबसूरत सनसेट मैंने आज तक नहीं देखी। से 5:50 का हमारा अराइवल टाइम था और यहाँ पे 6:44 हो रहा है, डिले आप समझ ही सकते हैं। और यहाँ अपनी ट्रेन निकल चुकी है विजयवाड़ा जंक्शन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। खाने पीने की चीज़ अगर आप ऑनलाइन नहीं भी ऑर्डर करेंगे तो आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ काम चल जाएगा। भाई ने जो ऑर्डर किया था उसमें मिक्स वेज की सब्जी, यहाँ पे चपाती, साथ में बिरयानी आ चुकी है और ये रहा नूडल्स मंचूरियन का कॉम्बो। अब संदीप भाई ने इतनी तारीफ़ की है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है टेस्ट करने का। मंचूरियन मैंने जल्दी से टेस्ट कर ली, वो बहुत टेस्टी थी। वैसे नूडल्स भी काफ़ी अच्छी बनी है, मेन चीज़ है कि रोटी सब्जी ये मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रेन में। ये देखते हैं कैसी है। 10 में 9 रेटिंग देना चाहूँगा, खाना बहुत ही टेस्टी है उस हिसाब से। बाकी बिरयानी को खाने का मज़ा हाथ से ही आता है, बिल्कुल रिकमेंडेड है, आप लोग ट्रेन में खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अभी रात के समय की जो जर्नी है वो चल रही है, एलुरु दुबड़ा ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन में ट्रेन के स्टॉप है। टोटल 58 हॉल्स में रुकती है ट्रेन अपनी पूरी जर्नी के दौरान। तो भाई मैं सीधा लेने वाला हूँ समालकोट जंक्शन और उसके बाद देखते हैं विजयवाड़ा लेना है कि नहीं, अगर ट्रेन राइट टाइम रहती है तो। 1 घंटा का डिले यहाँ पे चल रहा है, खाना पीना हो चुका है, संदीप भाई ने बहुत ही बढ़िया खाना मंगाया था, वो खा पी के अपना हो गया। अभी थोड़ा करते हैं रेस्ट, थोड़ा काम और फिर आप लोगों से मिलता हूँ आने वाले हॉल। का हमारा अराइवल टाइम था और 9:28 पे यहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं। 1.5 घंटे से ज़्यादा का डिले हो चुका है हमें राजमुंड्री पहुँचते। विवेक एक्सप्रेस का डिले यार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, झेला नहीं जा रहा है, कहीं ये बढ़ते बढ़ते और ना बढ़ जाए। तो यार राजमुंड्री में अच्छे खासे खाने के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, वेज खाना, अंडा बिरयानी वगैरह, रोटी सब्जी सभी कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। दोस्तों राजमुंड्री को कवियों का शहर और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, इसी के कारण इसकी जो महत्वपूर्णता है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, स्टेशन में आपको खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी और स्टेशन पहुँचने से पहले ही गोदावरी माता के दर्शन तो आप लोगों ने मेरे साथ किए ही होंगे। कैसे लगे रात के दर्शन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। में जब अपर बर्थ मिलती है ना तो बहुत बुरा लगता है, वही हाल है, अभी हम सब लोग ऊपर ही बैठे हुए हैं, काम वगैरह यहीं पे चल रहा है और विवेक एक्सप्रेस से रसगुल्ले आ चुके हैं। इतने अच्छे खाने के बाद इतना अच्छा डेजर्ट तो बनता है, मज़ा आ गया। यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है समालकोट जंक्शन, समालकोट जंक्शन से काकीनाडा के लिए लाइन गई हुई है। स्टेशन में लाइट नहीं इसलिए स्टेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे हमारा अराइवल टाइम 8:35 का था पर लगभग 1 hour 45 minutes का डिले यहाँ पे हो चुका है और इसी के साथ ट्रेन यहाँ पे पहुँची है। समालकोट में पंचराम टेंपल भी है जिसके लिए लोग इसे विजिट करते हैं, साथ ही बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। यहाँ से आप काकीनाडा टाउन की ओर ट्रेन ले सकते हैं। और इसी के साथ अपनी ट्रेन निकल चुकी है समालकोट जंक्शन से। ज़्यादा खाने पीने का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग विजयवाड़ा से ही अपना खाना पीना पैक करा के चलें और बाकी आने वाले स्टेशन के भरोसे मत रहें, क्योंकि वैरायटी कम होगी और अच्छी चीज़ें आपको कम मिल पाएंगी। और ये लंबी जर्नी है तो अगर आपको अच्छे से सेहत मेंटेन करनी है तो अच्छा खाना पीना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे पार्ट 1 की इस यात्रा के लिए इतना ही था, मिलूंगा आप लोगों से इस जर्नी के नए पार्ट में और नई यादों के साथ, जहां पे हम लोग देखेंगे डे 3 से हम लोगों ने इस सफ़र को कैसे पूरा किया।
वैसे समझ ही गए होंगे कि अभी हमारी ट्रेन चिल्का लेक के बगल से गुजर रही है, लेकिन इसको डिटेल में कवर करेंगे आप लोग मेरे साथ इस जर्नी के पार्ट टू पे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस जर्नी में मज़ा बहुत ही आने वाला है। अभी भुवनेश्वर, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपका इंतजार करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो का मेन हिस्सा यानी नॉर्थ ईस्ट उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे जल्दी और आने वाले वीडियोज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।